ये लास्ट दोन है और ये मेरे सब्सक्राइबर है और सामने एक एनिमी है और ये उनको मारने वाला है। तो गाइस क्या लगता है मेरे भाई सामने वाले बंदे को मार पाएगा? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी के। हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम हमेशा की तरह न्यू सब्सक्राइबर के साथ खेल रहा हूँ और आज के सब्सक्राइबर्स हैं अरुण भाई, एनटीटी पांडा। एनटीटी पांडा तो तेरा नाम है? सॉरी अरुण भाई, केजीएफ किलर भाई, सनी रोहिरा, ये तीन लोगों के साथ मैं खेल रहा हूँ। तो गाइस आज के इस खेल में बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ होने वाला है। तो गाइस नए न्यू सब्सक्राइबर्स है, न्यू गेम प्ले, मज़ा आने वाला है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और गाइस हमेशा की तरह हम रश रशपा करने के लिए स्टेडियम के पास जा रहे हैं और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के साथ हम खेल रहे हैं आज। तो गाइस मज़ा आने वाला है, आप होप आप सभी लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा। आज का इस चिकन डिनर में नहीं मेरे सब्सक्राइबर करने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह ख़राब लैंडिंग की वजह से मैं नीचे चल जाता हूँ। और गाइस फटाफट से हम चुटर पुटर करने चलते हैं। तो फटाफट से मैं लुटर पुटर करते वक्त मेरे को UMP और शॉटगन मिल जाता है और मैं फटाफट से लेके वार्म अप करने के लिए बाहर चलता हूँ और मेरे को दो बॉर्ड जिक जाते हैं। तो गाइस देखो मज़ा आने वाला है, दो बॉर्ड के साथ हम UMP का ग्लेशियर हमारे न्यू सब्सक्राइबर को दिखाने वाले हैं। सॉरी UMP ग्लेशियर नहीं, UMP 45। मिनी पांडा भाई बस भी करो यार, कितना बेइज्जती करते हो। गाइस हम कभी भी स्टार्टिंग वार्म अप से करना पड़ता है, जब भी आप एक गेम खेलते हो तो वार्म अप करना जरूरी होता है मेरे भाई, इसलिए हम स्टार्टिंग में बॉट को मारते हैं। तो गाइस आप सभी लोग देख ही सकते हो मेरे भाई ने बोल दिया कि भाई एक किल मेरे को छोड़ दो, तो भाई उसको हम छोड़ देते हैं और आप सभी लोगों को हम दिखा देते हैं UMP वाला किल इफेक्ट। ये देखो गाइस बूम बैंग, पेटी चमकाने वाले हैं अभी, चमकना। हाँ ये देखो गाइस चमक रहा है। और देखो गाइस फिर से एनटीटी पांडा बॉट को मारने के लिए भाग रहा है। मिनी पांडा जी बस भी करो, कितना बेइज्जती करते हो, एमओ भी खत्म हो गए, आपका मुंह कब बंद होगा? मैंने बोला ना मैच खेलने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। तो गाइस वार्म अप के बाद हमको ड्रॉप हंट करना था, इसलिए हम सारे बंदों के साथ ड्रॉप हंट करने चलते हैं। और मुझे दूर से देखा तो एक ड्रॉप दिखता है, क्योंकि इधर एक और स्क्वाड आने वाली है। जब मैं नीचे चुटर पुटर कर रहा था तब मेरे भाई चार नंबर को कोई मार देता है, M4 पापा बोलते, उस पापा को अभी मम्मी की याद दिलानी है। तो गाइस हमारे एक नंबर भाई अरुण भाई उधर ही थे और उनको मम्मी याद दिला दिया। और देखो गाइस और उसका भाई भागते जा रहा है इधर क्रेन से, शायद पता चल गया होगा एनटीटी पांडा आ रहा है। नहीं नहीं किल चोर पांडा आ रहा है। अबे यार कितना बेइज्जती करते हो, रुको यार कुछ तो इज्जत करो, यूट्यूबर हूँ मैं। इसके बाद हमको एक लेट का हुआ बंदा स्नेक मुझे मारते रहता है और हम स्नेक को भी फिनिश कर देते हैं। गाइस सब कुछ तो इधर तक ठीक चल रहा था, पता नहीं एक हैकर भाई आके हम तीन में से दो लोगों को नॉक कर देता है। देखो गाइस हाँ वो कैसे नॉक करता है हमको।
तो गाइस एनटीटी पांडा का तो आरआईपी हो चुका है, तो गाइस अभी पूरी जिम्मेदारी हमारे एरोन भाई पे रहता है जो एक क्यूट गेमर है, और इन पे भी हैकर भाई हल्ला बोल देते हैं। देखो गाइस इन पे भी रश कर रहे हैं, पता नहीं वो हैकर भाई कहाँ है। तो गाइस आप मैप में देख ही सकते हो पीछे से अभी भी मार पड़ रही है। तो गाइस हमारे एरोन भाई कैसे भी करके उनसे बच जाते हैं, अभी भी हैकर भाई पीछे ही है। तो गाइस अभी पूरी टीम की जिम्मेदारी हमारे एरोन भाई पे है और सिर्फ 3 बंदे बचे हैं। तो गाइस क्या लगता है चिकन डिनर ला पाएंगे हमारे एरोन भाई? तो गाइस अभी तक कोई बंदे ने किस किस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब लाइक कर दो मेरे भाई। अगर मेरे साथ आपको खेलना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी नंबर है, जाके मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दो। तो गाइस अभी कहानी का मेन सीन होने वाला है। तो गाइस अभी चिकन डिनर हमारे पास है और लास्ट जोन भी आ रहा है और एक बंदा छिपके बैठा है स्नेक बन के, पता नहीं कहाँ से बाहर निकालने वाला है, और हमारा एरोन भाई पूरे सतर्क है। और देखो गाइस वो बंदा निकल रहा है और हमारा एरोन भाई जिगल देते हुए चिकन डिनर निकाल ही देते हैं। गाइस टीम की पूरी जिम्मेदारी निभा देते हैं। और गाइस हमेशा की तरह आपको पता ही है एनटीटी पांडा ही होता है एमवीपी। हाँ पता है, क्यों नहीं होंगे, 6 बॉट को तो जो मारा है। मिनी पांडा जी गेम पे फोकस करो मेरे भाई, केडी भी तो मेंटेन करनी जरूरी है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।